हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार, कैमन आछो सबाई? सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है, शाम के बज रहे हैं अभी 6। आज मैं जा रही हूँ गंगा मैया के दर्शन करने। आजकल हमारी गंगा मैया बहुत उफान पे चल रही है, पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसके कारण गंगा जी का जल स्तर काफी बढ़ गया है और जल भी हम देखने जा रहे हैं। और साथ के साथ हम जा रहे हैं आज गंगा जी की आरती देखने के लिए। मैं और मेरी बेटी और पीहू जा रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, इतना सुंदर मौसम हो रहा है, नीले नीले आकाश पे और सफेद सफेद बादल। ऐसा लग रहा है जैसे देवी देवताओं ने कुछ कलाकृति बनाई है। और तो आज का मौसम देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, नीले नीले आकाश में और सफेद सफेद बादल कितने सुहाने लग रहे हैं, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लग रहे हैं। और हर जगह थोड़ा थोड़ा बादल है, देखिए आकाश में इस तरीके से, और पूरे आकाश में नीला आकाश है और सफ़ेद सफ़ेद बादल है। अलग ही रूप खिल के आ रहा है बादलों का। और आज आसमान पे धूप बिल्कुल खिल के आया है, सूर्य देवता बिल्कुल अपने पूरे प्रकोप में है और धूप इतना अच्छा निकला हुआ है कि आप इधर का मौसम देख सकते हैं। इधर का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दृश्य था। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। और हम भी गंगा मैया की आरती का दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं गंगा मैया के। पहुंच गए हैं घाट में और घाट जो है बिल्कुल खिला हुआ है लोगों से, चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है तो सभी शाम को आते हैं गंगा तीरे ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। और आजकल बरसात के कारण गंगा जी बिल्कुल भरी हुई है तो बहुत ही सुंदर रूप लग रहा है माँ का। तो चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ, गंगा मैया का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, पूरी लहर जो है ऊपर ऊपर तक चल रही है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ पे। तो माँ ने जो है अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है इस टाइम और लहरें काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो हम अभी चल रहे हैं नारायण घाट, क्योंकि ये है दयानंद घाट, हम नारायण घाट चल रहे हैं जहाँ आरती होती है। और जहाँ आरती होती है आपने देखा था कि वो पूरा जलमग्न हो चुका है और आरती जो है ऊपर हो रहा है। तो चलते हैं वहाँ पे धीरे धीरे और आप भीड़ देख सकते हैं यात्रियों की, बाहर के यात्री हैं, बाहर विदेश से भी आ रखे हैं और कांवड़िए भी है, लोकल जनता भी है, तो सभी लोग मिक्स है इसमें। कांवड़िए भी कुछ आश्रमों में ठहरे हुए हैं, लोकल भी इसलिए आते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है तो शाम को सब गंगा मैया के किनारे आके बैठते हैं। तो चलिए सीधा आपको ले चलती हूँ जहाँ पे आरती हो रही है और वहीं आपको दर्शन कराती हूँ। तो फाइनल आपको दिखा देती हूँ, दर्शन करा देती हूँ। आरती जो है वहाँ होती थी गंगा जी किनारे, तो वहाँ बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। धाराएँ देखिए कितनी तेज़ चल रही है, गंगा मैया की लहरें बहुत ही विराट रूप से चल रही है। और आरती जो है यहाँ सीढ़ी में चल रही है, तो सीढ़ी में जो है इस तरीके से लगाया गया है जो आरती होगी, आरती का सामान और विद्यार्थी वगैरह सब उधर खड़े हैं वो लोग। और आपको एक बार जूम करके दिखाती हूँ कि जो जानकी पुल है, जानकी पुल के पार में जो कांवड़िए हैं वो कितने तादाद में हैं, ये देखिए। थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन आपको बता दूँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्तर में कांवड़िए हैं वहाँ पर। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है पैर रखने की भी जगह यहाँ से मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए हम आरती के लिए किसी स्थान पर बैठ जाते हैं आरती के दर्शन करने के लिए और थोड़ा आगे चलती हूँ, वहाँ पे कांवड़ियाँ और ज़्यादा है, एक बार आपको दिखा के लेके आती हूँ। तब तक आरती की भी तैयारी चल रही है, कुछ लोग जो है गंगा किनारे बैठे हुए हैं। आज आप मौसम देख सकते हैं, मौसम भी कितना ही सुहाना हो रहा है, इसको भयावह नहीं बोल सकते क्योंकि मौसम की आवश्यकता तो है ही, बरसात चाहिए, गर्मी है और काले काले बादल है। सुबह जो है बहुत ही रोमांटिक मौसम हो रहा था और अब जो है काले काले बादल हो गए हैं आकाश पे और बरसात आने की संभावना है रात को, और होना भी चाहिए क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इधर हमारे जो जंगल है, पहाड़ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आरती जो है स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक हम थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं और देखे आते हैं कि इधर का भी नज़ारा कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है,
क्योंकि सावन का मेला चल रहा है। कांवड़ यात्री भी बहुत आ रखे हैं, चारों तरफ जो है ऑरेंज कपड़ों में कांवड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं और लोकल भी है। वो मेरा फार्म क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरे जानकी छोटे से आ गए यहाँ पे छोटे के साथ। तो भीड़ होने के कारण अगर कोई खो जाता है तो उसकी अनाउंसमेंट माइक द्वारा की जा रही है, बहुत सुंदर व्यवस्था कर। अभी खड़े हैं यहाँ पे थोड़ी देर क्योंकि आरती स्टार्ट होने में भी टाइम है, भजन कीर्तन स्टार्ट हो गया है और हम ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं और यात्रियों को भी देख रहे हैं। सब लोग गंगा किनारे बैठे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। संकल्पः ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य स्थानं सत्सो एवं ग्रह गुण गण विशेषेण वशिष्ठायां शुभपन्नतो अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम्नः बोलिए गंगे मैया की जय। देवभूमि तीर्थ भूमि उत्तराखंड योग नगरी ऋषिकेश मुनि की रीति में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी माँ गंगा के पूजन अर्चन एवं दूध से अभिषेक हुआ, आइए अब हम सब मिलकर बड़े भाव बड़े प्रेम से माँ गंगा की आरती उतारते हैं। सर्वगणगुणस्वस्थाय आत्मा सानि पराजा संपाता वसन्तो स्यासीदाजं ग्रेखम इदमाह। जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता। कृपा दृष्टि तुम्हारे दया सुख दाता की जय। गंगा आरती में पधारे हुए सभी भक्तों का श्री स्वामी नारायण आश्रम गंगा आरती परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। तो आरती समाप्त हो गई है और हम लोग सब चल दिए अपने घर की ओर। तो मैं भी आऊंगी ना तो अकेले थोड़ी आएगी। सर हम घर पहुंच गए हैं, तो चलिए पहले थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे।
सो फाइनली खाना बन चुका, मेरे हस्बैंड जी को खाना दे दिया है और अब उनके खाने के बाद मैं बेटे के लिए बना रही हूँ। बेटे के लिए मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी, हम लोग भी खाना खा लेते हैं और आरती देखने में बहुत आनंद आया। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जो चैनल पे है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।